हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 पोकेमोन मिस्ट्रीज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 5, जीएस बुल। तो गाइस, ये भी एक टाइम पे काफ़ी बड़ी मिस्ट्री थी। तो गाइस, जीएस बुल के अंदर पोकेमोन है, वो है एक मिथिकल पोकेमोन सेलीबी। एंड नंबर 4, तो गाइस नंबर 4 पे आता है हाउ गैरी गेट हिज 10 बैजेस। तो गाइस, गैरी के पास 10 बेजेस कहाँ से हैं? तो गाइस, इसका मतलब हो सकता है कि कैंटो में और भी ऑफिशियल जिम्स अवेलेबल हैं, इसलिए गाइस गैरी के पास 10 बेजेस हैं। अगर ऑफिशियल जिम्स नहीं होते हैं तो गैरी का 10 बेजेस जितना नामुमकिन होता। नंबर 4 पे आते हैं। तो गाइस, नंबर 4 पे है, वो है कबूटोप फिशिंग किल ऑफ हिज पोकेमोन। तो गाइस, कबूटोप में कुछ मिस्ट्री नहीं है, जो मिस्ट्री है वो है एक फिश पोकेमोन में। तो गाइस, ये वाला फिश पोकेमोन अभी तक हमें एनिमे के अंदर इंक्लूड नहीं कराया गया है। तो यार, ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है। एंड गाइस, नंबर 2 पे आते हैं, तो वो है क्रिस्टल ऑनिक्स। तो गाइस, हमें कैंटो के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि गाइस क्रिस्टल ऑनिक्स एक केव में रहता है और पानी के अंदर। तो गाइस, ये ऑनिक्स का पूरा ही अपोजिट है, क्योंकि ऑनिक्स को पानी से नफरत होती है और ये क्रिस्टल ऑनिक्स तो पूरा पानी में ही रहता है। एंड यार, क्रिस्टल ऑनिक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। तो गाइस, क्रिस्टल ऑनिक के केव में भी गाइस काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल लगे हुए थे। गाइस, नंबर 1 पे आता है, जो है मिस्ट्री एट द लाइट हाउस। कैंटो के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक जायंट पोकेमोन लाइट हाउस में आया था। गाइस, कुछ हद तक तो ड्रैगनाइट ही दिखता था, बट उससे थोड़ा बड़ा था, साइज में थोड़ा क्या बहुत बड़ा था। एंड यार, आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाय बाय।